आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल, कांग्रेस का हाथ किसके साथ, देश के साथ या फिर देशद्रोहियों के साथ? मायावती का हलफनामा, जब राम की मूर्तियां लग सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फोकस, 72,000 करेंगे बेड़ा पार। जगह जगह नशे का व्यवसाय, कहीं गांजा तस्कर तो कहीं अवैध शराब का कारोबार। और महेश्वर में सलमान की मस्ती, शूटिंग के बीच चलाई साइकिल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र ढकोसला पत्र है। कांग्रेस ने देश में अलगाववाद को बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई है। जो तिरंगा जलाते हैं, जो जय हिंद की जगह भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, उनके लिए भी कांग्रेस में सहानुभूति है। कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोह का कानून खत्म करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देशद्रोहियों को सख्त सजा देने की बात कह रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस कहां देश के साथ है या फिर देशद्रोहियों के साथ। पासीघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा कि हमने गैस देने का वादा नहीं किया था, फिर भी 7 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस सिलेंडर लोगों को दिए। स्वास्थ्य के नाम पर बड़ी बातें नहीं की थी, लेकिन हमने आयुष्मान योजना लागू की और गरीबों को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काम मैं अपने हाथ में लेता हूं, उसे पूरा करके ही रहता हूं। पीएम ने कहा, एक तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ढकोसला पात्र है, जो झूठे वादों से भरा हुआ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चौकीदार कहता है कि जागते रहो, इसीलिए इनके वादों से बच कर रहें। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 2004 के सभी को बिजली देने का वादा कर रही है। उन्होंने 2004-2009 के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो 18,000 से अधिक गांव में बिजली नहीं थी, जहां हमने उन्हें बिजली पहुंचाई। अगर आपका मुझे साथ न मिला होता तो ये काम मैं कर पाता क्या? अरुणाचल का भला हो सकता था क्या? विकास के काम हो सकते थे क्या? कनेक्टिविटी के काम हो सकते थे क्या? ये आपके सहयोग के कारण हुआ कि नहीं हुआ? आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तेजू और पासीघाट में एयरपोर्ट, नहर लागून और गुवाहाटी के बीच चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट आपके मजबूत विश्वास का ही परिणाम है। आपने साथ दिया तभी हम पासीघाट और ईटानगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठा पाए हैं। आपके मजबूत विश्वास का ही नतीजा है कि आज अरुणाचल में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अनेक संस्थान बन रहे हैं। आपके विश्वास का ही परिणाम है कि आजादी के 7 दशक बाद अरुणाचल के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा पाए हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने 70 साल तक राज किया, एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग देश का अपमान करते हैं ऐसे लोगों से कांग्रेस सहानुभूति रखती है, जो देश के संविधान को नहीं मानता ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून है उसको खत्म करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ वो दल जिन्होंने देश की आशाओं आकांक्षाओं को नहीं समझा, जिन्होंने देश पर राज करने की नीयत से सत्ता पर कब्जा जमाए रखा, जबकि आपका ये चौकीदार आपके सेवक की तरह काम कर रहा है। मोदी ने कहा, इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है, ये संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है, ये भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। मायावती ने यूपी में अपनी मूर्तियां लगाए जाने को सही ठहराया है। इस बारे में बसपा सुप्रीमो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया गया है। मायावती का कहना है, यदि अयोध्या में भगवान राम की 221 फीट ऊंची मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं। मायावती ने अपने हलफनामे में बताया कि देश में मूर्तियां लगाने की पुरानी परंपरा रही है। कांग्रेस के राज में देश भर में नेहरू, इंदिरा, राजीव और पीवी नरसिम्हा राव की मूर्तियां लगाई गई और इस पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन तब ना तो किसी ने मीडिया में इसके खिलाफ आवाज उठाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। मायावती ने गुजरात में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने पर भी सवाल खड़ा किया और कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 200 करोड़ रुपए खर्च कर राम की मूर्ति लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले मुंबई में शिवाजी, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, आंध्र प्रदेश में YS राजशेखर रेड्डी की मूर्तियां लग सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं। अमरावती में एंटी रामा राव की मूर्ति पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चेन्नई में जयललिता की समाधि स्थल पर 50 करोड़ खर्च किए गए हैं। बकौल मायावती, उन्होंने अपना जीवन दलितों के उत्थान पर खर्च कर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने शादी भी नहीं की। लोगों की इच्छा थी कि उनकी मूर्ति लगाई जाए। जनता की भावनाओं को समझते हुए ही विधानसभा ने इसकी मंजूरी दी थी और वोटिंग के बाद फंड जारी किया था, लेकिन कुछ लोग एक दलित महिला को मिल रहे ऐसे सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। इन दलीलों के साथ उन्होंने मांग की कि इस मामले में रवि कांत व अन्य द्वारा दाखिल की गई याचिका खारिज की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार न्याय योजना, रोजगार, हेल्थ केयर और किसान पर फोकस किया गया है। इस घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नारा दिया है कि गरीबी परिवार 72,000। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान किया है कि इस चुनाव का मुद्दा सिर्फ किसानों की समस्या, रोजगार और गरीबी है। उनकी पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र इसी के इर्द गिर्द रखा है और जिसका नाम जन आवाज घोषणा पत्र दिया गया है। घोषणा पत्र की टैगलाइन है, हम निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र की मुख्य बातें पंजे पर हैं, जो कि हमारी पार्टी का लोगो भी है। इनमें सबसे अहम न्याय योजना है, जिसके तहत देश की 20% गरीब जनता को सालाना 72,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राहुल ने कहा कि 5 साल में सीधे तौर पर एक व्यक्ति को 3,60,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके लिए राहुल ने गरीबी पर वार 72,000 का नारा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। शुरुआती 3 साल के लिए आपको किसी की मदद नहीं चाहिए, आप सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। जैसे रेल के लिए अलग बजट होता था, वैसे ही किसानों के लिए भी अलग से बजट होगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके लिए कितना खर्च हो रहा है। राहुल ने कहा कि अगर किसान कर्ज ना चुका पाता है तो वह आपराधिक मुकदमा नहीं बल्कि सिविल मुकदमा के तहत आएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ 5 बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है। सबसे पहले
बात न्याय की आए, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे। गरीब परिवार 72,000 ये पैसे हर साल दिए जाएंगे, इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को साधने के लिए खाली पड़े 22,00,000 सरकारी नौकरियों को भरने की बात कही है। उन्होंने कहा, हम मोदी जी की तरह 2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं करेंगे। हम अभी जो 22,00,000 पद खाली पड़े हैं उन्हें मार्च 2020 तक भरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्रामीणों को साधने के लिए मनरेगा की 150 दिन रोजगार की गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को साधने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया है, किसानों के लिए अलग से बजट होगा। कांग्रेस नेताओं ने जहां घोषणा पत्र को देश हित का दस्तावेज बताया है, वहीं बीजेपी ने कहा कांग्रेस अपने पिछले घोषणा पत्रों को ही पूरा नहीं कर पाई है और राहुल गांधी की सरकार बनना नहीं है, इसीलिए इस घोषणा पत्र का कोई औचित्य ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में गरीबों को न्यूनतम आय योजना के तहत हर साल 76,000 रुपए देने का वादा किया गया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 2020 तक 20,00,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 10,00,000 युवाओं को ग्राम पंचायत रोजगार देगी। साथ ही 3 साल के लिए युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। ये एक अभूतपूर्व जिसे कहना चाहिए कि घोषणा पत्र आया है, और मैं कहता हूँ कि घोषणा पत्र नहीं है, उसमें हमने कहा है हम निभाएंगे और हम निभाएंगे। जैसे हमने मध्य प्रदेश में कहा था कि हम हमारा जो वचन पत्र है उसके एक एक वचन पत्र पे जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम निभाएंगे, क्योंकि छोटे लोगों की जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो देश की उन्नति और बहबूद। आज राहुल जी ने कहा है कि जिस तरह से रेल बजट आता है इसी तरह से हम किसान बजट लाएंगे, कि किसानों को हम क्या देंगे, उनकी मूल्य क्या होंगे, उनकी फसल का हम क्या दाम देंगे और उनको क्या सुविधाएं देंगे, ये सारी बातों पर एम्फेसिस किया जाएगा। युवाओं को उन्होंने कहा है कि हम 22,00,000 नौकरियां दे सकते हैं सरकारी, जो कि हम देके रहेंगे 2020 तक। 10,00,000 नौकरियां हम पंचायतों में दे सकते हैं, वो हम देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत शानदार बजट है। देश का ये वो घोषणा पत्र है जिसका कभी पालन नहीं होगा, क्योंकि इनकी सरकार कभी नहीं आने वाली। जब सरकार नहीं आने वाली तो पालन होने का सवाल नहीं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं। अरे आधे राजनीतिक दल तो कांग्रेस से समझौता करने को ही तैयार नहीं है। जब आपकी टोटल सीटों में से आधी सीटें भी आप खड़े नहीं कर रहे हो तो सरकार कहाँ से आ जाएगी। इसलिए खाली पब्लिक के लिए, समय काटने के लिए ठीक ठाक है, एक आध दिन चर्चा भी हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बीजेपी ने झूठा करार दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है। कांग्रेस ने वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज 10 दिन के अंदर माफ करेगी। अभी तक किसान भटक रहे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं किया गया है। बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कमलनाथ सरकार ने कही थी, वो भी पूरी नहीं की गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है, चाहे जितने वादे कर ले। मध्य प्रदेश में विधानसभा से पहले कहा था हर बेरोजगार को 4,000 रुपए भत्ता देंगे। पूरे मध्य प्रदेश में एक बेरोजगार लाके कांग्रेस बता दे कि जिसको 4,000 रुपए भत्ता दिया हो। कांग्रेस ने कहा था मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्ज माफ करेंगे। मैं 25,00,000 किसान को सड़क पर खड़ा कर सकता हूं जिसके कर्ज माफ नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। रोज एक व्यापारी की हत्या हो रही है भोपाल शहर में, रोज 8 से 9 महिलाओं की चेन छीनी जा रही है, किसी न किसी व्यापारी को गोली मारी जा रही है, लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अराजकता का जो माहौल है, ये भी कांग्रेस पार्टी ने वचन दिए थे कि हम वचन दे रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में सब वचन झूठे हो गए, 365 वचन मध्य प्रदेश में दिए थे, एक भी पूरे नहीं हुए, और उन पर सब पे राहुल गांधी ने वचन दिया था, मोहर लगाई थी। राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि कर्नाटक पंजाब और मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफ़ कर देंगे। 1,65,000 किसान सड़क पे खड़ा होकर कर्नाटक पे प्रदर्शन कर रहा है कर्ज के कारण। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है, और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो गया है, साथ ही स्कूल वालों की मनमानी भी शुरू हो गई है। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से स्कूल की फीस बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। अभिभावकों का स्कूल की भीड़ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ इकट्ठा हो गई। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करना अभिभावकों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है, बिना सूचना के बेवजह फीस बढ़ा दी गई है। ऐसे में अभिभावक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर शहर के कई निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा फीस बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, तय स्थान से कॉपी पुस्तक अभिभावकों को लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी RN हिराधर ने स्कूल प्रबंधन से चर्चा करने का आश्वासन दिया था, मगर अब तक कोई हल नहीं निकला और स्कूल प्रबंधन से हर रोज अभिभावकों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो काम में व्यस्तता का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बेरोजगार पति पत्नी को मजदूरी दिलाने के बहाने साथ ले जाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाला मामला सामने आया। प्रताड़ित पति पत्नी ने इसकी शिकायत रीवा IG को ज्ञापन सौंपकर कर दी है। रीवा जिले में चोरहटा थाने के रहट गांव में मदरसा चलाने वाले तौहीद खान के खिलाफ पति पत्नी ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की शिकायत की है। महिला कविता साकेत व उसका पति रीवा में आकर मजदूरी का कार्य करते थे। कुछ दिन पहले चोरहटा थाना अंतर्गत रहट गांव में मदरसा चलाने वाले तौहीद खान दोनों को मजदूरी के लिए अपने साथ ले गया, जहां उन्होंने करीब 2 माह तक काम किया। इस दौरान तौहीद खान दोनों को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इस दबाव में आकर मना कर दिया और वहां से काम छोड़कर वे दूसरी जगह एक टेंट हाउस गोदाम में रहने लगी। जब पीड़िता वापस नहीं गई तो उसके साथ आरोपी ने गाली गलौज व मारपीट की, और साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियां भी आरोपी साथ में उठाकर ले गया, जिस पर पीड़िता ने 100 डायल में शिकायत कर दी। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और वापस लौट गई, जिसके बाद आरोपी लगातार मिल रही धमकी से डर कर पीड़ित थाने में जब भी वहां सुनवाई नहीं हुई तो आजका थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। हाँ, हम लोग रीवा में आए, दरगाह में काम करते थे, तो तौहीद खान हमको ले गया अपने घर। अपने घर ले गया तो हम लोग से काम लेता था, काम कराता था, मजदूरी करवा के, और हम लोग के साथ अत्याचार किया। हम लोग को बोला कि तुम लोग मुसलमान बन जाओ। हम लोग बोले हम लोग मुसलमान नहीं बनेंगे। ऐसे करते थे 1-2 महीना हुआ। 1-2 महीना के बाद हम लोग 20 तारीख को होली थी, हम लोग होली खेल लिए। उस दिन गाड़ी दिया तो कहा हम इतना खवान पियाए तो ऐसा काहे किए। हम बोले हम ना कब मुसलमान नहीं होंगे, तो बोला कि हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। महिला थाना वो वहाँ गई तो हमको मुर्जुम जैसे बर्ताव करती थी, तो हमको बोली कि ये 20,000 रुपये ले लो, ये केस मैं करूँ। और जो मुर्जुम है उसको कुछ नहीं बोली पुलिस। साकेत परिवार है, खरवा गांव से मजदूरी करने की नियत से रीवा आया हुआ था, और इसके बाद ये राहट पहुँचा जो चुराटा थाना अंतर्गत है ये गाँव। वहाँ पर आपके मोहम्मद तौहीद खान, लल्लू खान और उसकी पत्नी बेबी, इन तीनों ने मिलके उसके साथ मारपीट की। वो जाति की हरिजन है, और आज पुलिस महानिरीक्षक महोदय के यहाँ विविध संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के उसकी पीड़ा को
बता रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि इस पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय उस पीड़ित परिवार के साथ निश्चित रूप से न्याय करेगा। शेष विविध संगठन के लोग भी इसी संबंध में आए हुए हैं। आपको बता दें कि अब तीन थाने एक साथ मिलकर विवेचना कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विवेचना के दौरान महिला थाना टीआई आराधना सिंह के द्वारा फरियादी को 20,000 लेकर केस वापस लेने के ऑफर दिया गया। ऑफर ना मानने से महिला टीआई के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई, गाली दी गई और जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। इस पूरे मामले में आईजी का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी से पूरे मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग एक डेलीगेशन बनाकर आए थे मुझसे, मुझे एक आवेदन दे गए हैं और हम इसकी गहराई से इसकी जांच करवा रहे हैं। पहले भी जिस तारीख की घटना बताई जा रही है उसके बाद चुरहटा थाना जिला रीवा में फरियादियां आई थी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी जिससे कि ऐसा एक संदेश मिला जैसे कि वो मोटिवेटेड हो या कोई और उसको इस तरह की शिकायत करवा रहा हो। हम इस सभी पहलू पे इसकी जांच करवाएंगे, जो जांच का निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने आईजी रीवा से मुलाकात कर रहट में धर्मांतरण मामले में कहा है कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें शामिल हैं। शिव सिंह का आरोप लगाया है कि अमन चैन को बर्बाद करने के लिए, लोकसभा चुनाव का माहौल खराब करने के लिए धार्मिक संगठन और सांप्रदायिक संगठन द्वारा यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुराहटा थाना, महिला थाना, हरिजन थाना, एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब सबके यहाँ इन्होंने एफआईआर कराने के लिए प्रेशर बनाया और मैंने कल देखा समाचारों में तो एक आरएसएस, एक बीजेपी का नेता, एक बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, उनका मेरे पास वीडियो है, मीडिया का वीडियो है। वो पूरी की पूरी तरह से आज वर्तमान में लोकसभा चुनाव है और हमारा रीवा अमन चैन से जी रहा है। अमन चैन को बर्बाद करने के लिए, जिले का, प्रदेश का माहौल चुनाव के समय खराब करने के लिए ये धार्मिक संगठन, सांप्रदायिक संगठन माहौल को खराब कर रहे हैं। छतरपुर में शराब के कारोबार में पुलिस वालों की मिलीभगत सामने आई है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस वाला शराब दुकान से शराब लेकर जा रहा है। एडिशनल एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस जहां एक ओर अवैध शराब की तस्करी से परेशान है, वहीं छतरपुर में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोतवाली में पदस्थ हेड कांस्टेबल चमन खान शराब दुकान से शराब की पेटी लेकर बाइक से जा रहा है। यह वीडियो साफ जाहिर करता है कि किस तरह पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब बेची जा रही है। यह वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है। एडिशनल एसपी ने इस मामले के जाँच के आदेश दे दिए हैं। कांस्टेबल चालक है, वो पेटी रख के पीछे ले जाता दिखाई दे रहा है। उसकी जांच कराई जा रही है कि वास्तव में वो शराब थी अथवा कुछ भी सामान था। सीएसपी को जांच सौंपी गई, जो भी तथ्य आएंगे स्वरूप कार्रवाई की जाएगी। टापू पर शराब बनाने का अवैध कारोबार बेधड़क चल रहा था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस नाव पर बैठकर टापू तक पहुंची और छापा मारा और अवैध कच्ची शराब जब्त करने में कामयाबी हासिल की, मगर आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं लगे। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहां अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा था। धसान नदी के किनारे लहदरा में अवैध कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। तब पुलिस को पता चला तो पूरी टीम के साथ नाव में बैठकर पुलिस टापू पर पहुंच गई। वहां का नज़ारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। यहां आरोपी भट्टी लगाकर शराब बनाते थे। पुलिस ने 205 लीटर कच्ची शराब, 8 ड्रम महुआ लहान की शराब और कई ड्रम जब्त खाली किए हैं। आज मौके पर जाकर दबिश दी गई तो टापू पर पहुंचे तो वहां से आरोपी भाग गए। मान सिंह यादव और जय सिंह यादव और ये रघुवीर यादव पुलिस को देखकर भाग गए और मौके पर भट्टी मिली थी वहां पर जिसमें ये शराब बना रहे थे। लगभग 205 लीटर शराब जब्त हुई है और 8 ड्रम में महुआ का लहान भरा हुआ था जिसको नष्ट किया है और कई खाली ड्रम थे वहाँ पर और शराब बनाने के लिए भट्टी बना रखी थी लोगों ने, जो नष्ट की हम लोगों ने। कयास लगाया जा रहा है
और पुलिस का भी मानना है कि यह देसी शराब लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जा रही थी, जो यूपी और एमपी में वोटरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती थी। पुलिस और जानकारी प्राप्त कर पाती उससे पहले कारोबार चलाने वाले वहां मौजूद 3 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर की आधारताल पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 8 किलो 700 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। आधारतार पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है, जो गांजा बेचने की फिराक में थे। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्होंने 2 युवकों को उस समय पकड़ा जब वो गांजा बेचने के लिए खरीदार की तलाश में थे। आरोपी तरुण बिरहा और विजय झरिया के पास से पुलिस ने 8 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। महाराजपुर एरिया में 2 लोग गांजा की मतलब ले जा रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना आधार दल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य करके उनको दबोचा है, जिसमें 2 लोग हैं। एक का नाम विजय है और एक का विकास नाम है। ये लोग गांजा ले जा रहे थे, जिनसे 8 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया है और उनको कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। उस समय एक बड़ा हादसा टल गया जब एक ट्रेन के नीचे कई सारे मवेशी आ गए। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लिया और ब्रेक लगाकर ट्रेन को कंट्रोल में रखा। भोपाल से चलकर दाहोद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन गति पकड़ रही थी कि लोगों को गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज सुनाई दी। लोग भयभीत थे, अचानक ट्रेन में झटके के साथ रुक गए। तब लोगों ने चैन की सांस ली। तब तक ट्रेन की चपेट में 3 से 4 भैंसे आ चुकी थी। भोपाल सीहोर के बीच के रेल खंड पर यह हादसा लाल घाटी इलाके में हुआ। इस कारण ट्रेन तकरीबन 1 घंटे खड़ी रही। इस हादसे में 3 भैंसों की मौत हो गई। ड्राइवर ने समझदारी से ब्रेक लगाए और ट्रेन को कंट्रोल करते हुए इसके बावजूद मवेशी ट्रेन के नीचे आ गया। रीवा पुलिस ने कुख्यात बदमाश शिबू शूटर को गोली मारने वाले हथियारों के सौदागर अनुराग सिंह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस को उम्मीद है इन लोगों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। लंबे अरसे से फरार चल रहा अपराधी अनुराग सिंह रीवा पुलिस के हाथ लग गया है। रीवा के कई थानों की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करधना से रीवा कोतवाली में हत्या के आरोपी अनुराग सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस को पूछताछ में उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपने साथियों के साथ शिबू शूटर को गोली मारी थी। साथ ही रीवा में वह कट्टा और पिस्टल की अवैध तरीके से सप्लाई करता था। अनुराग की निशानदेही पर पुलिस ने 2 आरोपी रितेश शुक्ला व पुनीत तिवारी को गिरफ्तार करते हुए उनसे पिस्टल व कट्टा सहित कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। सिविल लाइन का अपराध क्रमांक 785, धारा 307,
27 आम सेठ के साथ 2017 का मामला है, जिसमें इसने एक सिगू शूटर को अपने कुछ साथियों के साथ गोली मारी थी। उसमें पहले से ही आरोपी अरेस्ट है और 2 आम से बरामद हुए थे, 1 आम से ही बरामद हुआ। ये इसका कहना है कि इलाहाबाद के आसपास के एरिया से आम लाता था और अपने यहाँ साथियों को देता था। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है, और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संत नगर में यातायात को दुरुस्त करने के लिए गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए चालान किए जा रहे हैं, और यहां वहां खड़े होकर यातायात को प्रभावित करने वाले ठेलों को भी जब्त किया गया है। नगर निगम और यातायात पुलिस ने संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में ट्रैफिक क्लीन अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत मुख्य मार्ग और चौक चौराहे पर खड़े होने वाले हाथ ठेलों को जब्त किया गया। यातायात पुलिस ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। दोनों विभागों ने इसके साथ मुख्य मार्ग पर अप्रोच मार्ग पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया। नगर निगम ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई रोज की जाएगी। समय से बैरागढ़ की यातायात व्यवस्था को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कुछ समय पहले कमिश्नर साहब ने इसको लेके मीटिंग ली थी। सारे स्टेक होल्डर जो भी है, व्यापारी है, ठेला एसोसिएशन है, ऑटो वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब लोगों से हम लोगों ने बात की थी, और उनके सुझाव लेते हुए हमने इस चीज़ को थोड़ा व्यवस्थित प्रबंधित करने का प्रयास किया। उसमें आज हम कोई अलग से स्पेशल कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ उनको समझाइश दे रहे हैं, और जो भी रोड पे जो सामान है उसको हटाने का बोल रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे अपील कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं, उनके सुझाव भी मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर रोड बाधित होगा, आम लोगों को परेशानी होगी, तो फिर हमको सख्त करना। छतरपुर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मारकर भाग गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही पिता और पुत्री की मौत हो गई। छतरपुर बस स्टैंड के नौगांव रोड पर एक दर्दनाक हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब पिता अपनी बाइक से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने इन दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जिससे दोनों बाइक के नीचे गिर गए और दोनों के ऊपर से ट्रक का टायर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। आज सुबह मोटरसाइकिल पर एक अभिभावक और एक बच्ची स्कूल के लिए जा रहे थे, तो एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जिससे दोनों की मौत हो गई और पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया। ट्रक चालक को वाहन को पकड़ लिया गया। संत हिरदाराम नगर की एक शराब दुकान में अचानक आग लग गई। तड़के लगी इस आग पर 5 दमकलों ने काबू पाया। रायसेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शराब दुकान पर अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट का कारण आग लगने का बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 5 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुबह अचानक सब्जी मंडी के आसपास रहने वाले रहवासियों ने बताया कि सुबह शराब की दुकान पर अचानक धुआं दिखा। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग भड़क गई थी। कोयला चोरी की वारदात की खबरें रोज खनिज विभाग तक पहुंच रही थी। सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने चोरी का कोयला परिवहन करते 4 वाहन पकड़े। यह गाड़ी शिव शक्ति स्पंज उद्योग में जा रही थी।
खनिज विभाग के उप संचालक ने अपनी टीम के साथ यह छापामार कार्यवाही की है। खनिज विभाग ने शिव शक्ति स्पॉन्ज उद्योग को सील करने की भी तैयारी कर ली है। यह शिव शक्ति उद्योग ग्राम चक्रधरपुर में है। बताया जा रहा है कि घरघोड़ा के गारे पेलमा से अवैध खनन कर माफिया कोयला बेचता था। खनिज विभाग ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी फिल्म दबंग 3 के मुहूर्त शॉट के बाद महेश्वर में साइकिल चलाते नजर आए। सलमान सड़कों पर दिखे तो उनके फैंस भी सलमान के इस अंदाज को देखकर काफी खुश नजर आए। महेश्वर से दबंग सलमान खान का पहला लुक नजर आया। फिल्म का मुहूर्त शॉट और शूटिंग के बाद सलमान खान अपनी मस्ती में महेश्वर में निकल पड़े। भाई अरबाज खान भी उनके साथ थे। सड़क किनारे लोग सलमान की एक झलक पाने के लिए खड़े नजर आए। वो जहां भी गुजर रहे थे वहां लोग भाईजान भाईजान चिल्लाते नजर आ रहे थे। सलमान के पीछे अरबाज भी छोटे साइकिल पर चल रहे थे। बाद में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर सलमान को टू व्हीलर पर सवार होकर निकलना पड़ा। सलमान को साइकिलिंग का काफी शौक है और मुंबई में भी उन्हें जब भी मौका मिलता है वो साइकिल की सवारी करना नहीं भूलते। फिल्म में चुलबुल पांडे बने सलमान खान ने अपने पहले लुक को ट्विटर पर शेयर भी किया। यहाँ नर्मदा घाट और अहिल्या फोर्ट स्थित हेरिटेज होटल को सजाया गया है। फिल्म के निर्देशक प्रभु देवा, सलमान खान, उनके भाई अरबाज खान सहित सभी बड़े सितारे यहाँ मौजूद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। कहीं जाइएगा नहीं, अब भैरन समाचार जर्जर भोपाली के साथ। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो आज तो वही सेंसेक्स उछल रही है, 39,000 के पार पहुंच गया रिकॉर्ड। अरे कल्याण भाई, जरा कुल्फी उल्फी खिलाओ। और मैं बता रहा हूँ, ये नेताजी है पार्टी कार्यालय के बाहर होने पड़े हुए थे और वो कह रहे थे हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया जिंदगी भर और उसका सेंसेक्स हमारा जीरो हो गया, हमारा टिकट कट गया। कई लोग दुखी भी है भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, हर आदमी खुश है सेंसेक्स बढ़ने से। और ये एक देखो, ये अमेरिका से खबर आ रही है बेहतरीन किस्म की। यहाँ नशे में है ना सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है लोग। 3.34 लाख करोड़ इतनी की शॉपिंग कर डाली। और हमारे यहाँ तो भैया पीने के बाद आदमी सीधा नाली में जाता है। हाँ, और दूसरी बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ की जो महिला है वो है ना बगैर है ना पिए ना इतनी शॉपिंग करती है, शॉपिंग के नशे में रहती है, पीने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ। हाँ, और भैया जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वजीर आजम अलग होना चाहिए, सदर रियासत होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए वहाँ का। और मैं बता रही हूँ इनको तो ढोरों के है ना ट्रक में भर के ले जाओ, जितने ये अलगाववादी है ना इनको पाकिस्तान में छोड़ा हो, बता रही हूँ। और मैं तो कहता हूँ जल्दी से 370 हटाओ वहाँ से, हो वहाँ सब लोग जाएँ, इनका दिमाग है ना नॉर्मल हो, बता रही हूँ। ऐसी ऐसी देश विरोधी बातें करते रहती हैं, सलाम नहीं आती, समझ नहीं आ रहा भैया। और ये खबर इधर नीदरलैंड में, ये कितनी मजेदार खबर है, गायों के लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। और मैं बता रही हूँ हमारा देश नीदरलैंड से आगे है, हमारे देश में सड़कें इतनी लंबी लंबी हैं, यही टॉयलेट है गायों के लिए, कहीं भी करो, हाँ कहीं भी बैठो, ऐसा थोड़ी है, हमारा देश प्रगति कर रहा है, आगे जा रहा है। और ये देखो लालू के जो बेटे हैं तेज प्रताप सिंह, इन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया है, अलग पार्टी बना ली है और ससुर के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। भैया अभी ये एक साल पहले इनकी शादी वादी हुई थी, बता रही हूँ, ये इतनी खन्नस आ गई ससुर को लेके, बता उनके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। वो हार्दिक पटेल के सुन लो भैया, इनको कोर्ट ने आया चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमें समझ में आया कैसे बड़बड़ा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये वो जो पार्टी द्वारा आंदोलन आंदोलन जो करवाए थे आरक्षण के लिए, वो किसी के लिए नहीं थे, ये चुनाव लड़ने के लिए थे, नेता बनने के लिए। हाँ, ये चल रहे हैं। और राहुल गांधी भी भैया अमेठी छोड़ के वो भाभी जा रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ क्या अमेठी में क्या हालत वालत खराब है कि क्या है, क्यों भाग रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा। और एक नेता के घर से भैया 10 पिस्टल और हाथ गोले निकले, बताओ। मैं बता रहा हूँ ये पहले जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बाहुबली होना रहती थी राजनीति में आने के लिए, और वही कोर्स है ना फिर से शुरू हो गया। हाँ, ये चल गया है। और मैं सभी बता रही हूँ, ये दिए खबरें सुन के ना मेरा दिमाग हो गया खाली। मैं हूँ जर्जर भोपाली, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।